गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द आवर न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी सुबह के बज रहे अच्छे और घर में सब लोग उठ चुका है। यहाँ पे इजी उस रूम से उठा के लाए तो यहाँ पे आकर सो गया। इसको इतना गर्मी लग रहा है कि ये झंझे भी खोल दिया है। और इसी के रूम से गोद से लाया तो यहाँ पे सो गया। ओए उठो उठो। और यहाँ पे ये योगा करते करते इनका रेस्ट, ये अच्छा रेस्ट ले लेते हैं इस चक्कर में, ये भी सो लेते हैं 10 मिनट योगा के नाम पे। गुलगुलू ए गुलगुलू 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 दे दे। आदत बहुत खराब है सबसे लगने का, तो ये तो देगा चाचा दे दे। सब काम करके हम आते किचन, और अभी नहाए नहीं है। किचन आके फटाफट नाश्ता बन रहा है, बना रहे और नाश्ता बना रहे रोटी और घर भिंडी और प्याज की भुजिया। मेरा नहाना हो गया कंप्लीट, अब हम चलते सबका नाश्ता निकालने के लिए। और ये अभी पूजा कर रहे हैं। हम सबका नाश्ता निकाल चुके हैं और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। तो हम चाय फटाफट छान के यहाँ भी रेडी है, सबको नाश्ता दे देते हैं हम फटाक से। नाश्ता वास्ता करके थोड़ा रेस्ट करके हम आ गए किचन, और किचन में बना रहे खाना। और आज खाने में बनाई है कटहल की सब्जी। तो कटहल बहुत अच्छी है, छोटा सा था कटहल, तो उसको देखिए पहले हम छील ले रहे हैं। इसको छीलने के लिए थोड़ा तेल यूज करना पड़ता है, और थोड़ा पेपर ऊपर बिछा कर अगर छीलिएगा तो गंदा नहीं होगा। सूरज आया है और इतना बदमाशी कर रहा है। तो गार्डन पूरा साफ हो चुका है। सूरज का साथ हम भी थोड़ा सा साथ दे दिए ताकि उसका जल्दी जल्दी हो जाए। तो वो भी साफ करके शॉप पे चला गया और हमें किचन में, और किचन में मेरा लगभग खाना बन चुका है। हम लोग खाने के लिए बैठ गए और आज खाना में है दाल राइस साग आलू कटहल की सब्जी और टमाटर की चटनी। बस खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा अच्छा, सादा में बहुत ज़्यादा खाना अच्छा बना है। मेरा हम मेरा चटनी, चटनी में देखिए हम कितना सारा ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं। शाम के बज रहे 6 और हम अभी जस्ट उठे हैं। आज हमको सोए ही छोड़ दिए ये लोग, तो जस्ट उठ के हम बस बाहर बैठे हैं। तो बाहर इतना अच्छा हवा चल रहा है, बहुत अच्छा हवा चल रहा है, तो हम बाहर ही बैठे हैं। तो ऋषि हमको चाय बना के दे दिया, तो हम चाय पीने बैठ गए। अभी घर का कोई भी काम नहीं हुआ और हवा देखिए इतना अच्छा हवा देखिए। सारा काम हो गया, अब आ गए रूम में कपड़ा समेटने के लिए। तो फटाफट कपड़ा समेट लेते हैं। और इस रूम में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसी चल रहा है, इसे निकलने का मन नहीं कर रहा है इस रूम से। पर इसमें ऋषि रहने नहीं देता, वो निकाल देता है। शाम के बज रहे 7 और हम आज बना रहे स्नैक्स, और स्नैक्स में आज हम बनाएंगे चाउमीन हम लोग के बदौलत, क्योंकि बच्चों को भी और हस्बैंड को भी सभी को खाने का मन कर रहा है। तो हम बना देते हैं उन लोग के लिए चाउमीन। चाउमीन बॉयल हो रहा है और यहाँ पर हम अनियन फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा चाउमीन बन के हो गया रेडी और इनका हम टिफिन में पैक कर दिए हैं। यहाँ पे हम इची को दे दिए हैं चाउमीन, और ये लोग इस रूम से निकलता ही नहीं है क्योंकि इसमें एसी चल रहा है। तो ये लोग कोई नहीं निकलेगा इस रूम से, और मेरा बुरा हाल है पसीना से। ये लोग आराम से मस्ती में है। इची का चाउमीन जो इची खा रहा है अभी, खा के बताओ इची कैसा लग रहा है। अच्छा लगा? तो यहाँ पर मम्मी एक प्लेट से बड़ा थाली से भर के एकदम चाउमीन खा रही, इतना सारा। ऐसे तो बोलती कभी खाएंगे नहीं, हमको पसंद नहीं है। ये हमारे के लिए खाएंगे। हाँ तो इसमें हम 2 चम्मच चीनी ले लेंगे। तो काहे लिए? बस थोड़ा सा ट्राई करने के लिए। ट्राई करने के लिए कौन लेता है एक प्लेट? पूरा दुनिया देखेगा आपको, क्या सोचेगा। यहाँ पर इची शाम में खा चुका था अपना चाउमीन, तो ये कैसे कर रहा मम्मी से चाउमीन लेने के लिए? अब कैसे कर रहा भाई, आराम से दे दो उसको, थोड़ा दे दो। तो हम खाना खाने के लिए बैठ गए। आज खाना बहुत अच्छा है, गर्मी का खा रहा है। तो पानी भात और फौरन, और इसमें थोड़ा सा हम सत्तू डालेंगे। तो ये खाने में गर्मी दिनों बहुत छपता है, और इसमें हम फ्रिज का ठंडा पानी डाल के खाइए तो बड़ा मजा आएगा खाने में। तो फिलहाल खाना वाना खा के एकदम मस्त बरामदे में बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छा हवा आ रहा है बाहर से, लेकिन रात बहुत हो गया है। तो चलते हैं अब सोने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस ब्लॉग का वहीं एंड करती हूँ। तुम सोएगा नहीं क्या? जगने मन है तो घर से बाहर निकल जाओ, बड़ा अच्छा हवा चल रहा है, बाहर बैठ के आराम से काट लो। सही में? हाँ।
क्या दिक्कत है, बगल में घर बन रहा, उन लोग रात में जाते ही है, चल जाओ उन लोग के साथ ही रहो। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।